दोस्तों, हाल ही में आदि पुरुष मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसके बाद से ही मूवी की तुलना रामायण पर बनी पुरानी मूवीज और टीवी सीरियल से होना शुरू हो गई। अगर हम आपसे पूछें कि रामायण पर बनी कौन सी मूवी या टीवी सीरियल आपका फेवरेट है, तो हमें यकीन है कि आप में से काफी लोगों का जवाब रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण होगा, जो कि 1980 के दशक में बहुत ही प्रचलित हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टीवी सीरियल इतना सफल हुआ कि अब तक इसका रिपीट टेलीकास्ट 17 देशों में 20 विभिन्न चैनलों पर हो चुका है। बीबीसी के अनुसार इस धारावाहिक को 650 मिलियन से अधिक दर्शकों ने देखा है। इसके हर एपिसोड ने डीडी नेशनल को 40 लाख रुपए कमा कर दिए। इस धारावाहिक का टेलीकास्ट दूरदर्शन पर 25 फरवरी 1987 से 21 जुलाई 1988 तक हर रविवार को सुबह 9:30 बजे किया जाता था, और इसके प्रसारण के दौरान रामायण भारत और विश्व टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जून 2003 तक रामायण सीरियल विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पौराणिक धारावाहिक के रूप में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम रामायण सीरियल के उन सभी कलाकारों के पुराने फोटोज, जिस रूप में आप उनको पहचानते हैं, और उनकी लेटेस्ट फोटोज, ये सारे स्टार्स अब कितनी एज के हो चुके हैं और कैसे दिखते हैं, शेयर करेंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके मनपसंद एक्टर्स की यादें दोबारा ताजा करेंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर आप लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए रामायण धारावाहिक के सबसे पॉपुलर एक्टर अरुण गोविल से शुरुआत करते हैं। इन्होंने श्रीराम का रोल निभाया था। 1958 में इनका जन्म हुआ था। ये रामानंद सागर की रामायण के अलावा भी कई अन्य रामायण सीरियल्स के लिए एक्टिंग कर चुके हैं। सीरियल के टाइम पर इनकी उम्र 29 साल की थी, और आज ये 2023 में 65 वर्षों के हो चुके हैं। अब ये पहले से कुछ ऐसे दिखते हैं। पुष्पा वर्मा, इन्होंने सुलोचना यानी कि मेघनाथ की अर्धांगिनी का रोल निभाया था। रामायण करते टाइम इनकी उम्र 52 साल की थी, और आज ये 78 साल की हो चुकी हैं। देखिए, आज भी ये बिल्कुल वैसी ही प्यारी और सादी दिखती हैं। सुलोचना खत्री, इन्होंने रामायण सीरियल में मांडवी का रोल प्ले किया था। रामायण सीरियल करते समय इनकी उम्र 33 साल की थी, और आज 2023 में ये 68 साल की हो चुकी हैं। अब ये ऐसी दिखती हैं। दारा सिंह, हमारे हनुमान, रामायण करते टाइम ये 59 साल के थे, और साल 2012 में इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। ये अपने जीवन काल में एक सफल रेसलर, एक्टर और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, और ये पहले से कुछ ऐसे दिखते थे। रेणु धारीवाल, इन्होंने रामायण में स्वरूप नखा का रोल अदा किया था। इनका रोल बहुत पॉपुलर हुआ था, और दर्शकों ने स्वरूप नखा के नाक कटने पर इतनी खुशी महसूस की थी मानो अपनी ही जीत का आभास हुआ हो। इनकी तब उम्र 43 साल थी, और अब 78 साल की हैं। रुमकेश रावल, इन्होंने रामायण धारावाहिक में विभीषण का रोल अदा किया था। तब ये 36 साल के थे, और साल 2016 में 65 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पहले की और 2016 की पिक्स देख लीजिए, अब इतने साल के बाद इतना फर्क तो दिखेगा ही। दीपिका चिखलिया, इनको तो आप बखूबी पहचानते होंगे। ये रामायण धारावाहिक के सबसे नामी एक्टर्स में से एक हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि इन्होंने इस सीरियल में सीता जी का रोल निभाया था। श्री राम यानी कि अरुण गोविल जी के बाद दीपिका जी ही हैं जिनको दर्शकों ने बहुत प्यार और सराहना दी। इनकी उम्र तब 22 साल की थी, और अब ये 57 साल की हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इनकी पहले की और अब की पिक्स में बहुत अंतर दिखता है। रमेश गोयल, इन्होंने रामायण में मारीच का रोल प्ले किया था। इनकी उम्र तब 30 साल की थी, और 2023 में इनकी उम्र 65 साल हो चुकी है। आप पिक्स में देख ही सकते हैं कि ये कितने ग्रेसफुली एज हुए हैं। अपराजिता भूषण, रामायण में अपराजिता जी ने मंदोदरी का रोल किया था। अब ये 68 साल की हो चुकी हैं। रामायण करते समय इनकी उम्र 33 साल की थी। श्याम सुंदर, इनका भी काफी पॉपुलर रोल था।
सुग्रीव का। रामायण सीरियल के टाइम इनकी उम्र 47 साल थी और 2020 में 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। ये बाद में कुछ ऐसे दिखते थे। अरविंद त्रिवेदी, इन्होंने रामायण में रावण का रोल प्ले करके अपनी अदाकारी से लाखों के दिलों में जगह बनाई थी। तब इनकी एज 49 की थी और 2021 में 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। मयूरेश, ये तब 11 साल के बच्चे थे और इन्होंने लव का रोल प्ले किया था। अब इनकी उम्र 46 साल की हो गई है। विजय कवीश, रामायण धारावाहिक के टाइम इनकी उम्र 31 साल थी और इन्होंने शिवजी का अभिनय किया था। अब इनकी उम्र 66 साल हो गई है। इनकी लेटेस्ट पिक्चर्स को देखें तो पहले से ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है, वैसे के वैसे ही दिखते हैं। विजय अरोड़ा, इन्होंने रावण के भाई मेघनाथ का अभिनय किया था। ये भी रामायण के बहुत ही पॉपुलर फेस रह चुके हैं, आप इनको जरूर पहचानते होंगे। रामायण सीरियल के टाइम इनकी उम्र 43 साल थी और 2007 में 63 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर, इन्होंने आर्य समुद्रा का रोल निभाया था, तब इनकी उम्र 64 साल की थी और 2021 में 98 साल की उम्र में ये अपना शरीर त्याग गए हैं। स्वप्निल जोशी, इन्होंने कुश का अभिनय किया था, तब इनकी उम्र केवल 10 वर्ष की थी और अब ये 45 साल के हो चुके हैं। बाद में इन्होंने बेहद प्रचलित सीरियल श्री कृष्णा में भी श्री कृष्ण का रोल निभाया था। तो दोस्तों, करा दी ना इस वीडियो ने आपको अपने सुनहरे दिनों की यादें ताजा। क्या दिन थे वो। श्री रामानंद सागर ने बिना बड़े बजट और VFX के अपनी कला के दम पर हमारे सामने बेहतरीन रामायण प्रस्तुत की थी। आज भी जब रामायण के ऊपर कोई मूवी या सीरियल बनता है, उसे हमेशा रामानंद सागर की रामायण से कंपेयर किया जाता है। जल्द आने वाली मूवी आदि पुरुष को भी इस कंपैरिजन का सामना करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि वो इस कंपैरिजन में सफल होकर निकलें। आपको उन सुनहरी दिनों में लेके जाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इस तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आगे भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।